सो हेलो फ्रेंड्स, एक और कॉलेज का रिव्यू आ चुका है। इस कॉलेज का नाम है बेला कॉलेज। ए ग्रेड कॉलेज है, मैं बताना चाहता हूँ, ए ग्रेड कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है। एक जन ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि पन्नाश्री कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाने थे, पर पन्नाश्री कॉलेज इसका इसका नाम है। ये पन्नाश्री पली में पड़ता है, इसका एड्रेस आपका बेला में है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि डिटेल्स में सब बात करें, आई होप से इसका हर एक डिटेल्स मेरे पास है, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस जैसे देख लो, बेला नाम से ही पता चलता है कहाँ है। बेला बेला एक जगह का नाम है कोलकाता में, जो जोका के पास पड़ता है, जोका किधर है। ठीक है, तो वहीं पे है ये कॉलेज। ठीक है, और अगर कॉलेज का फोन नंबर, ये अगर आपको मैप से देखना है कहाँ, तो यहाँ डिरेक्शन पे क्लिक करोगे तो अपने आप की डिरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आपको जाना है। ठीक है, इसका दूसरा नाम पन्नाश्री कॉलेज है। ठीक है, अगर यकीन नहीं होता है तो फिर अगर मैं करूँ पन्नाश्री करता हूं अगर कॉलेज क्लिक, ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बेला कॉलेज में मुझे रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए यही कॉलेज का पूरा रिव्यू लेते हैं और हर एक चीज डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मुझे बताना है आप लोगों को कोर्स ऑफर, क्या क्या कोर्स इस कॉलेज में होता है। ठीक है, कोर्स ऑफर आपको बता दूं, बीए बीएससी होता है, बीकॉम नहीं होता है इस कॉलेज में, और एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो बीए में क्या क्या है, बैचलर इन आर्ट्स आप कौन कौन सब्जेक्ट में कर सकते हो, बंगाली में जनरल एंड ऑनर्स दोनों कर सकते हो, डिफेंस स्टडीज में जनरल कर सकते हो, एडुकेशन में जनरल एंड ऑनर्स, इंग्लिश में जनरल एंड ऑनर्स, हिस्ट्री में दोनों सेम दोनों कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में दोनों, फिलोसफी में दोनों, फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ जनरल, पॉलिटिकल साइंस में जनरल ऑनर्स दोनों, संस्कृत में जनरल ऑनर्स दोनों। अगर बीएससी कर रहे हो तो बोटानी में सिर्फ जनरल, केमिस्ट्री में दोनों, कंप्यूटर साइंस दोनों, इकोनॉमिक्स दोनों, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, फूड एंड न्यूट्रिशन भी कर सकते हो दोनों, ज्योग्राफी दोनों, मैथमेटिक्स दोनों, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स में जनरल कर सकते हो और जियोलॉजी में दोनों। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो तो क्या क्या कोर्स में अवेलेबल है, बंगाली में मतलब मास्टर कर सकते हो हिस्ट्री केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन, ये चार में आप मास्टर्स कर सकते हो। ये था आपका कोर्स ऑफर। इसके बाद आते हैं आपका एडमिशन प्रोसीडियर पे। पहले क्या एडमिशन प्रोसीडियर है, प्रोसीडियर सिंपल है, मेरिट बेस में होता है, सिंपल से बात। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है रूल, ऐसा ही मेरिट बेस में होता है। मेरिट बेस में सबका एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जिसका एग्जाम जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आएगा उसको पहले एडमिशन लिया जाएगा बस। और कुछ कुछ क्राइटेरिया मीन्स की कुछ कुछ परसेंटेज दिए हुए कोटा का रिजर्वेशन के, वो सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आपका ये एडमिशन प्रोसेस वही है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप एडमिशन शेड्यूल मिलेगा, उस दिन आपको एडमिशन करा लेना, बस यही एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कॉलेज में अगर पढ़ना हो। ठीक है, तो कैंडिडेट को अगर पढ़ना है इस कॉलेज में तो मिनिमम हायर सेकेंडरी पास होना होगा। ठीक है, और उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश होना ही चाहिए, वो 100 मार्क्स का होना चाहिए, 100 से कम नहीं। ठीक है, और बीए बीएससी आप कर रहे हो, ऑनर्स या जनरल तो कुछ भी कर रहे हो, तो टॉप फोर मार्क्स बेस्ट ऑफ फोर लिया जाता है, बेस्ट ऑफ फोर 6 सब्जेक्ट होते हैं 12 में, उसमें बेस्ट ऑफ फोर का मार्क्स वो लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें जिसका सबसे ज्यादा है उसी को पहले एडमिशन मिलेगा। और एक और बात बोला, ईवीएस अगर आपका ईवीएस कैलकुलेट नहीं होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद मेन क्राइटेरिया पे आते हैं, मिनिमम 50% आपको लाना पड़ेगा, ये मीन्स कि आपका 12th में लाना पड़ेगा, 45% रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो 40 रिलेटेड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही है तो उसमें मिनिमम 45% लाना होगा। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 40% टोटल लाना होगा, 40% लाना पड़ेगा सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, अगर आप कुछ जनरल कर रहे हो, एक और चीज है, अगर आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री और बोटानी, केमिस्ट्री एंड बोटानी या फूड में से, और न्यूट्रिशन एज जनरल सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा या फिर होना चाहिए। द फर्स्ट 60% ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट पे एंड विल बी ऑफर बोटानी एंड रेस्ट 40 विल बी ऑफर फूड न्यूट्रिशन। मतलब जो लोग भी जूलॉजी ऑनर्स में अप्लाई करें उसको जो पहला 60% बच्चा होगा उसको आपको मिलेगा फूड में, उसको बोटानी मिलेगा, उसको रेस्ट आपको फूड ऑफ फूड न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 30%, अगर आप कोई जनरल कोर्स कर रहे हो तो मिनिमम 30% आपको लाना ही पड़ेगा जो कोर्स में करना चाहते हो जनरल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख रहे थे, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसी कॉलेज में नहीं मिलता है, इसमें मिला है तो आप बेटर है, देख लो। फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपका ये कॉम्बिनेशन, मैथ इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हो, मैथ केमिस्ट्री लो या मैथ कंप्यूटर साइंस लो। ठीक है, जूलॉजी करोगे तो केमिस्ट्री बोटानी लो जूलॉजी के साथ,
जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन लो, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो तो मैथ फिजिक्स लो या मैथ कंप्यूटर साइंस लो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो मैथ स्टैट्स ही लेना पड़ेगा एक ही कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो मैथ पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको एक ऑप्शन है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक है, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस है या फिर फिजिक्स स्टैट्स है। फूड न्यूट्रिशन में आपका केमिस्ट्री जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स या तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एजुकेशन है या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस, और बोटानी अगर कर रहे हो तो जूलॉजी केमिस्ट्री, ये चीज सबसे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हो गया है तो अब थोड़ा सीट पे देख लेते हैं क्या कितना कितना सीट है हर हर कोर्स में कितना सीट। बंगाली ऑनर्स कर रहे हो तो टोटल 110 है, केमिस्ट्री में 58, कंप्यूटर साइंस में 30, इकोनॉमिक्स में 23, एजुकेशन में 30, इलेक्ट्रॉनिक में 25, इंग्लिश में 88, फूड न्यूट्रिशन 30, ज्योग्राफी 33, हिस्ट्री 57, जर्नलिज्म 30, मैथमेटिक्स 58, फिलोसफी 43, फिजिक्स 49, पॉल साइंस 52, संस्कृत 25 और जूलॉजी 80 एंड बोटानी 25। उसके बाद कास्ट वाइज आपका तरीका दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में यही लगेगा, इसलिए आप एक कॉलेज में देख लीजिए क्या लगेगा। आपका मार्कशीट लगेगा, एचएस का मार्कशीट लगेगा, वो भी अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड कॉपी ये होता है मीन्स कि आपको आपको जेरोक्स लेके जाना है अपना मार्कशीट का अपने प्रिंसिपल के पास, 12th के प्रिंसिपल के पास, वो लोग बस एक स्टैम्प मार के साइन कर देंगे। अटेस्टेड नाम का एक स्टैम्प होता है, उसको बस मार के साइन करना है, बस वही चीज को अटेस्टेड बोलते हैं। एडमिट कार्ड का भी जेरोक्स और माध्यमिक का भी आपको लेके आना है अटेस्टेड। तो अगर आप 10th और 12th में स्कूल सेम है तो एक ही जगह से आपको हो जाएगा, नहीं तो 10th में 12th की जगह 12th में जाना पड़ेगा और 10th में 10th जो 10th जो जिस स्कूल से पढ़े हो उस स्कूल में जाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ एज। कास्ट सर्टिफिकेट उसको भी अटेस्टेड कराना पड़ेगा। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो उसका भी अटेस्टेड ओरिजिनल दोनों कराना होगा। ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बीपीएल, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है उसको भी अटेस्टेड कराना होगा, प्रिंसिपल से ही होता है करा। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तो उसको भी कराना होगा, और सीयू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तो भी कराना होगा। अगर मीन्स की पुराना मीन्स की इस बार पहले पहले एक बार फेल हो गई हो फिर से एडमिशन लेना है तो आपको सीयू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेशन कर रहे हो दूसरे स्टेट से आ रहे हो दूसरे यूनिवर्सिटी से तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा और फोटोग्राफ लगेगा। ये सब था इसमें, अच्छा है कि हर एक चीज आपको डिटेल्स में दिया गया। ऑनलाइन एडमिशन तो नॉर्मली बात अभी नहीं होगा, आपको 12th का रिजल्ट निकल रहा है 22 को शायद, तो आपको और जैसे कि यूजीसी का गाइडलाइंस आया है कि 2 अगस्त तक सारा चीज निकल जाएगा, 2 अगस्त को आपको वेट करना होगा, हर एक का फॉर्म निकल जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब बीए ऑनर्स का देखें, जस्ट अगर बीए ऑनर्स का फीस स्ट्रक्चर देखना है तो स्क्रीन डायरेक्टली एक्सेल में मेरा खुल रहा है तो आप देख सकते हो कि एक सेकेंड टोटल फीस कितना है, एडमिशन फीस 250, फीस स्ट्रक्चर फॉर पूरा एक साल का, एक साल का लगभग 6000 लगभग 6000 7000 11000 आपका है जन जी के लिए जनरल, और 6000 7000 10000 इसी बीच में हर एक का इसका आपका फीस है। मीन्स की 6000 मिनिमम लगता है और किसी किसी में 7 किसी किसी में 8 10, इस यही हिसाब से एक साल में आपका लगेगा इसका फीस। आप बोलोगे तो आप तो मेरे मतलब वीडियो से आप डायरेक्टली इस पेज पे आके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, उसके बाद फीस देख लेना किसका किसका क्या है, इस यहाँ से आप हर एक का फीस चेक कर सकते हो कितना फीस है। हो सकता है न्यू सेशन में थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा मोरा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट बात करते हैं, इस कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं, तो कॉलेज वाला जो दिखाएगा उसी को तुमको करना पड़ेगा। इसमें आवर पार्टनर्स लिखा मतलब ये सारी कंपनी यहाँ पे आती है इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने, मास्टर एडुकेशन मास्टर रिलायंस आती है, आईसीआईसी आता है, टाटा आता है, बंधन बैंक आता है, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका प्लेसमेंट होता है। जियो हुआ, यहाँ प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेटर रिक्रूटर का सब नंबर दिया हुआ और यहाँ पे आपको वैकेंसीज का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कब नया वैकेंसी आया उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका जॉब इंटरव्यू क्रैक करो ये सब करो तो उसका जॉब लग जाता है। आई होप सो हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, आई होप सो कि वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और कोई डिटेल्स शायद ही बाकी होगा तो आप उनसे पूछ लेना, नहीं तो ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स इसमें क्लियर है।
ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं सबका सबका जो जो वीडियो जो भी बोल रहे हैं सबका वीडियो धीरे धीरे करूंगा और डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच।